महेंद्र पूर्व के नगर पुलिस ने 40 हफ्तों में धन दुगना करने वाले एक कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रविंद्र शिवाजी झरे है। अदालत ने आरोपी को 10 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि महेंद्र पूर्व के पंचरत्न हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले रविंद्र शिवाजी झरे पास के एक कमर्शियल गाले में अस्मिता एंटरप्राइजेस नाम की एक चिट फंड कंपनी चला रहा था। वह लोगों से उनकी रकम 40 हफ्ते में दोगुना करने की बात कहकर पैसे जमा करवा रहा था। लोगों को एक मुश्त कम से कम 10,000 रुपए जमा करने को कहा गया था। हर सप्ताह जमा राशि का 5% रिफंड किया जा रहा था। 40 हफ्तों में 20,000 रुपए जमा किए गए व्यक्ति को मिल जाना था। नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई ने प्राप्त सूचना के आधार पर जांच कराई तो पता चला कि अस्मिता एंटरप्राइजेज द्वारा बिना किसी अधिकृत अनुमति के निवेश योजना चलाई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सलाह के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी झरे के कार्यालय से प्राप्त नकदी तथा बैंकों में जमा राशि को जब्त कर लिया है। यह राशि 2,73,78,000 रुपए बताई गई है। निवेशकों को पैसा जमा कराने के लिए लाने वाले एजेंट को 1-4% कमीशन दिया जाता था। परिमंडल क्रमांक 1 के पुलिस उपायुक्त अमित काले, सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर शशिकांत भोसले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार शिंदे, पुलिस उप निरीक्षक राम कदम, पुलिस उप निरीक्षक प्रमोद पाटिल, पुलिस हवलदार संजय पाटिल, अधक प्रशांत बाग, अवानाथ माने राठौड़, वैशाली उगले, सिपाही आकाश वाकड़े, महिला होमगार्ड शलार तथा महिला होमगार्ड चौहान की टीम ने यह कामयाबी हासिल की है। मीरा रोड के शांतिनगर कॉलोनी में सेक्टर 6 के रणनीतिक कोने पर शांति स्टार बिल्डर का काम ठप होने के बाद स्थानीय नगर सेवकों और नागरिकों द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन बुधवार को डेवलपर द्वारा काम जारी रखने के बाद नगर पालिका ने नागरिकों की शिकायत पर काम बंद करवा दिया है और सामग्री भी उठा ली है। शांतिनगर कॉलोनी कमजोर वर्गों के लिए ULC के तहत एक आवास परियोजना है। मूल भूमि अभी भी विकास शांति स्टार के स्वामित्व में नहीं है, लेकिन 35-40 साल बाद यह एक इमारत और आवास संगठन बन गया है। दूसरी ओर विकासकर्ता ने नगरपालिका की मिली भगत से RG प्लॉटों खुली जगह में बिना निवासियों की अनुमति के मोफा एक का उल्लंघन कर नए भवन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए हैं और RG क्षेत्र में भी अनधिकृत निर्माण हुए हैं। इस तरह के आरोप और शिकायतें लगातार हो रही हैं। नगरपालिका ने निवासियों की सहमति के बिना सेक्टर 6 के रणनीतिक कोने पर अवतार हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उपयोग की जाने वाली खाली जगह पर विकासकर्ता को निर्माण करने की अनुमति दी। डेवलपर ने 1950 के बाद से संगठन को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया है। नागरिकों का कहना है कि इस मामले में शांति स्टार बिल्डर पर मोफा एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है। हालांकि स्थानीय नगर सेवक अश्विन कसोदरिया ने सोमवार से सेक्टर 6 नाका में निर्माणाधीन इमारत के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, क्योंकि पालिका अनुमति रद्द नहीं कर रहा था। आंदोलन में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। सोमवार को भूख हड़ताल शुरू होने के बाद पालिका ने शांति स्टार बिल्डर के पूर्व में सुनवाई के बाद निर्माण कार्य स्थगित करने को कहा। कमिश्नर दिलीप ढोले ने इस आधार पर काम निलंबित कर दिया कि 7/12 में डेवलपर का नाम नहीं है और कुछ शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है। मीरा बेंद्र वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट की सेंट्रल क्राइम डिस्क्लोजर ब्रांच ने वाहन साइलेंसर चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह अब तक 18 अपराध कर चुका है। इमरान खान, शाहरुख खान और जावेद खान सभी घाटकोपर के निवासी हैं और सभी को हिरासत में ले लिया गया है। उनके बैग की तलाशी में साइलेंसर के पुर्जे, काटने की सामग्री और एक कार समेत 3,66,000 का सामान मिला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मीरा रोड के हटकेश चौक इलाके में साइलेंसर चोर आएगा। इसी के तहत पुलिस टीम ने जाल बिछा कर तीनों को 23 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। चारों ने अचोले पुलिस थाने सीमा 4 नाला सोपारा 2 तुलिंज और विरार पुलिस थाने सीमा में 8-8 अपराध करना कबूल किया है, जबकि नवी मुंबई में खारघर, कोपरखैने और रबाले पुलिस सीमा में 2-2 अपराध और कामोठे में 4 अपराध किए हैं। एक अन्य आरोपी सावन गायब है। टीम ने जांच शुरू की है और खुलासा किया है कि गुप्त सूचना व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह गिरोह है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है।